जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, कि जब आजादी का हम लोग पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते आज परीक्षा पे चर्चा की फिर टेलीविजन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए छोटी छोटी बातों को आपके साथ साथ बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असामंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं। एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे, लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से या तो फिर रिटर्न टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा ताकि आप करेंगे। कई साथियों ने बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है, मीडिया के साथियों ने भी आम थाम पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल। सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बेहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय आपके आशीर्वाद एवं हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 12 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र।